इसमें क्या है, उसने इतना बड़ा सोने का खंभा पहले कभी नहीं देखा था। ये देखो इसमें क्या है ना, ये पहले आया है, अभी नहीं कंफ्यूजन है, गुड क्वेश्चन है। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि ये पहले अकेले भी आता है, ये एडवर्ब भी है। यहाँ वाला जो बिफोर है ये कंजक्शन है, और यहाँ वाला जो पहले आया है बिफोर आएगा वो एडवर्ब के रूप में आएगा। यहाँ समस्या नहीं, यानी इसके इसमें दो वाक्य नहीं है, इसमें दो वाक्य नहीं, इस वाले में दो वाक्य है ना, इस वाले वाक्य में दो वाक्य नहीं है। देखो एक ही वाक्य में काम एक ही हो रहा है, कौन सा हो रहा है, देखने का। और इसमें देखो दो कार्य हो रहे हैं, एक तो देखने का और दूसरा निकलने का। तो जब दो कार्य हो रहे होंगे तो ये बिफोर होता है, तब कंजक्शन होता है, तब इसमें दो सेंटेंस बनते हैं। बात समझ आ रही है। और जब ये केवल अकेले है, यानी इसमें दो सेंटेंस नहीं बन रहे हैं, दो वाक्य दो क्रियाएं नहीं है, तो इसमें दो वाक्य बनाने की जरूरत नहीं है। तब क्या करेंगे, उसमें सब्जेक्ट ले लिया, यानी इसमें एक, इसमें कौन सा रूल लागू होगा, पहला वाला, फर्स्ट रूल। तीन रूल लिखवाए थे ना कल, उसमें फर्स्ट वाला जो रूल होगा वही इसमें अप्लाई हो जाएगा, यानी कि हैड, यही है ना, नेवर, ही हैड नेवर सीन, और थर्ड फॉर्म हो गया कितना बड़ा, सच ए बिग, क्या सच ए बिग, बिग खंभा का क्या होगा, अच्छा सच बिग गोल्डन, सोने का गोल्डन, गोल्डन पिलर। अब यहीं पे जोड़ दो बिफोर, ये हो गया एडवर्ब, बिफोर वाक्य के अंत में आ जाता है, हो गया, बन गया। और क्या, ही हैड नेवर सीन सच ए बिग गोल्डन पिलर बिफोर, कैसी बात बनाना है तब। अब ऑब्जेक्ट ये पूरा है, हाँ, क्या क्या नहीं देखा था, इतना मतलब पूरा ऑब्जेक्ट है, तो पूरा ले लेंगे, हो जाएगा, ये हो गया आपका एक्टिव एस, ये हो गया पैसिव एस। तो यहाँ लिखेंगे सच ए, सॉरी सच ए बिग पिलर, हाँ यस गोल्डन छूट गया, सच ए बिग गोल्डन पिलर, गोल्डन पिलर हैड नेवर बीन सीन बिफोर, यहीं पे लगा दो बिफोर, अंतिम में आ जाएगा बाय हिम, इसको पहले भी कर सकते हैं, बाय हिम इधर करके बिफोर को बाद में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बाय हिम बिफोर, हाँ।